पुणे में आखिर कहां पहुंचे हैं शिव ठाकरे और किस वजह से इनके यहां पहुंचने के बाद जनता जो है वो कमेंट सेक्शन में लिटरली ये चीज लिख रही है कि शिव ठाकरे को जो है अब यूथ आइकन बनना चाहिए, जिसकी वजह से जो यूथ है जो उनको फॉलो करे, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव ठाकरे इस समय एक अच्छे और अच्छी स्टेप पर चल रहे हैं और अच्छी जगह पर यूथ को ले जाएंगे और लोग जो है मोटिवेट होंगे शिव ठाकरे से, क्योंकि एक गांव से आना, वो भी सपने बड़े लेकर और उस पर अमल करना, उसको पूरा करना, धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना, ये बहुत टफ काम होता है, लेकिन शिव ठाकरे ने इस चीज़ को किया। तो यूथ आइकन बनाने की मांग की जा रही है शिव ठाकरे को, आखिर किस वजह से और ऐसा क्या किया शिव ठाकरे ने, कहाँ पहुँचे हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। शिव ठाकरे भाई हेडलाइंस बन चुके हैं लिटरली हर एक जगह पर, फिर चाहे वो कहीं पे स्पॉट हो रहे हों या फिर कहीं पहुँचे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, भाई हर जगह पर मीडिया अटेंशन मिल रहा है, क्राउड अटेंशन मिल रहा है। और शिव ठाकरे का ना एक चीज़ आप बोल सकते हो कि उनके पास वो चार्म है जो अपन बोलते हैं ना कि जिसको अपन क्राउड पुल करते हैं, क्राउड पुल है वो और बॉर्न क्राउड पुलर है, क्योंकि उनके लिए जनता, अभी बीच में जब अमरावती गए थे वो बिग बॉस से निकलने के बाद, तो शिव ठाकरे ने इस चीज़ का खुलासा खुद किया कि जब मैं अमरावती पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं 5 घंटे लेट था, फिर भी इतने सारे लोग खड़े थे, मतलब जबकि अनाउंसमेंट पहले हो गया था कि शिव ठाकरे आने वाले, लेकिन 5 घंटे लेट पहुंचे शिव ठाकरे और जनता जो है वो तब भी शिव ठाकरे के लिए वहाँ पे खड़ी थी। तो ये इस चीज़ से पता चलता है कि उनका क्रेज़ इस समय कितना ज़्यादा है शिव ठाकरे का और उनको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, यूथ में उनको कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और क्या उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है इस समय। लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ पर भी मना नहीं कर सकते कि शिव ने अपने जो उनका पूरा करियर ग्राफ आप देखोगे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, मतलब एक अमरावती से एक पान ठेले से आना और उसके बाद रोडीज़ में पार्टिसिपेट करना, रोडीज़ में सिलेक्ट होना, उसके बाद बिग बॉस मराठी जो है जिसका सीज़न 2 जीतना और उसके बाद बिग बॉस हिंदी में आना और बिग बॉस हिंदी में आने के बाद तो छा जाना, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। अभी तो हाल ही में शिव ठाकरे ने खुद इन चीज़ों के खुलासे किए कि अभी उनको बहुत सारे ऑफर्स आने लगे हैं, चाहे वो हिंदी मूवीज़ हो, मराठी मूवीज़ हो या फिर हिंदी सीरियल, मराठी सीरियल, इन सब के ऑफर्स आए हैं, अभी जल्दी वो इन सब चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और उन्होंने ये बोले कि मतलब अब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार बढ़ गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी हाल ही में शिव ठाकरे जो है वो भवरता बुक स्टोर पहुँचे थे, जो कि एक कार में बुक स्टोर बनाया गया है, वहाँ पहुँचे थे और बुक्स देख रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद एक बुक इनको दिया गया एज अ गिफ्ट वहाँ पे भी कि ये आप ले जाइए, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में तो लिटरली लोगों ने भर दिया है इस चीज़ को, किसी ने वही चीज़ लिखी कि शिव ठाकरे रियल आइडल, यूथ शुड फॉलो हिम, फिर को लग रहा है कि भाई शिव ठाकरे को यूथ आइकन बना दो, इस बंदे को अगर यूथ फॉलो करेगा तो लिटरली अपने सपनों की तरफ भागेगा। फिर को लग रहा है कि भाई शिव ठाकरे लिटरली रॉक कर दिया भाई बंदे ने, मतलब एक छोटे शहर से आकर यहाँ तक पहुँचना खुद में बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप भी शिव ठाकरे को यूथ आइकन बनता हुआ देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।